जल संरक्षण। प्रकृति के द्वारा मानवता के लिए जल एक अनमोल उपहार है। जल की वजह से ही धरती पर जीवन संभव है। जिस प्रकार हम हवा और भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार हम जल के बिना भी जीवित नहीं रह सकते। भविष्य में जल की कमी की समस्या को सुलझाने के लिए जल संरक्षण ही जल बचाना है। धरती पर मौजूद पूरे जल का केवल 3% ही उपयोग लायक है, जिसमें 2% बर्फ की परत और ग्लेशियर के रूप में है और 1% जल ही पीने लायक पानी के रूप में उपलब्ध है। जो पानी की बर्बादी करते हैं, उनसे मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने बिना पानी के जीने की कोई कला सीख ली है, तो हमें भी बताए ताकि भावी पीढ़ी बिना पानी के जीना सीख सके। अगर नहीं तो देर किस बात की, अभी से पानी की एक एक बूंद को बचाना शुरू कर दो। गांव के स्तर पर लोगों के द्वारा बरसात के पानी को इकट्ठा करने की शुरुआत करनी चाहिए। लाखों लोगों का एक छोटा सा प्रयास जल संरक्षण अभियान की ओर एक बड़ा सकारात्मक परिणाम दे सकता है। सभी लोगों का छोटा प्रयास एक बड़ा परिणाम दे सकता है, जैसे कि बूंद बूंद करके तालाब, नदी और सागर बन सकता है। संपूर्ण विश्व में 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। छतों पर लगी टंकियों से पानी गिरकर बर्बाद होना एक आम दृश्य है। हमें इसे रोकना होगा और इसके लिए सबसे सरल उपाय है कि आप अपनी टंकी को एक वाटर ओवरफ्लो अलार्म से जोड़ दें। जब आप एक ग्लास आरओ वाटर पीते हैं, तो ध्यान रखिए कि इसे फिल्टर करने के प्रोसेस में 3 ग्लास पानी वेस्ट किया जाता है। इसलिए जब भी आप गिलास में आरओ वाटर लें, तो पूरा भर के लेने की बजाय उतना ही ले जितना पीना है। यह कहावत बहुत ही प्रचलित है कि सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। समाज के लोगों का कर्तव्य बनता है कि वे मिलजुल कर अपने अपने पंचायतों में जल संरक्षण के विभिन्न उपायों को अपनाएं।